हेलो स्टूडेंट्स इन दिसर विद एक्टिविटी अच्छा उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हराइट पढ़े थे हम लोगों ने यह भी कहा था कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये अल्काइल हराइट दो टाइप के केमिकल रिएक्शन हमें दिखाता है वन इज रिएक्शन एंड सेकेंड वन जो होता है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं वो हम लोगों ने देखे थे वन वॉज योर एस एन वन एंड सेकेंड वन वॉज एस एन टू एंड वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन वेर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स ई वन एंड ई टू करेक्ट हम लोगों ने ये कहा था कि एस एन वन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियो फिजिक रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन इज बेसिकली द रिएक्शन इन यू रिमूव अ मॉलिक्यूल और यू रिमूव एटम्स तो इनको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ओके सो अब इस लेक्चर में हम लोग एक एक इंडिविजुअल रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे सो so, सबसे पहले लेट स्टार्ट ऑफ इथ सब्सिट्यूशन रिएक्शन सो वेन आई से सब्सिट्यूशन रिएक्शन

दिस विल रियक्ट विथ न्यूक्लियो फाइल एन यू माइनस यहां पर यह बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा हाइड्रोजन आइटमिल है पॉजिटिव चार्ज एक्स माइनस विल कम आउट सो एक्स माइनस विल कम आउट एंड यू विल हैव आर एन यू दिस इज दंपाउंड दैट विल गेट फॉर्म यह कंपाउंड बन जाएगा ठीक है सो so बेसिकली क्या हुआ है ये न्यूक्लियो जो था इसने हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया ना हमें ये पता है कि आयोडीन एंड कार्बन ये बॉन्ड जो होता है दिस इज वीकेस्ट बॉन्ड कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकेस्ट द रीजन इज बिकॉज कार्बन आइटम ना साइज में बहुत छोटा होता है हाइड्रोजन आइटम साइज में बहुत बड़ा होता है तो इनके बीच में ये जो ओवरलैपिंग होती है ये जो बॉन्ड होता है दैट इज वेरी वीक एंड बिकॉज इट इज वेरी वीक दिस बॉन्ड कार्बन आयोडीन बॉन्ड इट इज इजी टू ब्रेक ओके इट इज इजी टू ब्रेक ये कार्बन आयोडीन या अलकाइद आयोडाइड जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव दे आर हाईली रिएक्टिव रीजन इज बिकॉज कि ये बॉन्ड जो ब्रेक करना होता है इट इज वेरी वेरी सिंपल सो आई कैन से आर आई ये सबसे ज्यादा रियक्टिव होता है उसके बाद आता है आर सी एल दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रियक्टिविटी रियक्टिविटी अच्छा आपने यहां पर देखा कि मैंने आर एफ कंसिडर ही नहीं किया है द रीजन इज बिकॉज ये कार्बन फ्लोरिन बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड इसको ब्रेक करना इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो इसलिए यह कम्पाउंड उतना रिएक्टिव होता ही नहीं है सो so, नॉर्मली हम लोग आयोडाइड्स ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स की ही बात करेंगे वेन एवर वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन ओके सो बेसिकली वेन आई से सी न्यूक्लियोफिजिक्सटीट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिजिक्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियो फाइल है ये न्यूक्लियो फाइज हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देगा रिप्लेस द हाइड्रोजन रिएक्शन होता है और जब हम लोग इसका विल रियलाइज दैट यहां पे ये जो मेकेनिज्म है ये मैकेनिज्म दो टाइप का होगा दिस मैकेनिज्म बी ऑफ टू टाइप्स इट विल आर बी अ फर्स्ट ऑर्डर रियक्शन और इट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो इसको कहा जाता है एस एन वन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है तो इसको कहा जाता है एस एन टू मैके तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट फ्यू एग्जाम्पल्स यहां पे क्या करना है आपको बस आपको री याद रखना है री अगर जो आप याद रखोगे तो आपको रिएक्शन अपने आप से याद रह जाएगा सो so, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आर एक्स है ओके बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स होंगे जो न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करते जाएंगे सो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके सो सबसे पहला सो आर एक्स है अक्वियस एन एच और के ओ एच और अक्वियस के ओ एच अक्वियस मतलब आपका सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा या फिर मे बी मॉइस्ट ए जी टू ओके या फिर कुछ हद तक वॉटर एच टू ओ अगर जो इनमें से आप कोई भी रिएजेंट यूज करते हो तो ये रिएजेंट्स जो होते हैं ये आपको देता है ओ एच माइनस यू कैन सी दैट देखो यहां पे माइनस चार्ज है हमने कहा था ये न्यूक्लियोफाइल पे वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है या फिर इसके पास लोन पेयर होती है तो यहां पे ओ एच माइनस दिस इज योर न्यूक्लियो एंड ये न्यूक्लियो क्या करेगा ये हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देगा तो ये सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर ओ एच माइनस विल रिप्लेस हाइड्रोजन आइटम सो वॉट यू विल गेट इज आर ओ एच दैट इज अल्कोहल ठीक है सो दिस इज वॉट यू वुड गेट So, इनमें से आप कोई भी रिएजेंट यूज करते हो तो इन रिएजेंट का काम होता है ओ OH एच माइनस सप्लाई करना एंड ये ओ एच माइनस जो है वो हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर देगा ओके नाउ द नेक्स्ट रिएजेंट इज बेसिकली एनएच थ्री ओके हम लोग कई बार अल्कोहोलिक एनएच थ्री दिखता है ये अल्कोहोलिक एनएच थ्री जो है ये आपको न्यूक्लियो हर केस में से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा आपको बस पता होना चाहिए कि न्यूक्लियो कौन सा है यहाँ पे एन एच थ्री इट सेल्फ बिहेव लाइक अलियो फाइल ओके सो बिकॉज एन एच थ्री बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल फाइल बेसिकली क्या होता है यहाँ पे एन एच थ्री में से एन एच टू यहाँ पे एड हो जाता है सो यू विद बाहर आ जाएगा एनएच so NH3 में से एक हाइड्रोजन एंड यहां से एक हाइड्रोजन दे विल कम आउट एज एच एक्स एंड यहां पे RNH2, इसको कहा जाता है अमाइन ना हाउ डज एन एच थ्री बिहेव लाइक अ न्यूक्लियो इस पे तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है यहां पर एनएच थ्री न्यूक्लियो की तरह बिहेव इसलिए करता है क्योंकि एन एच थ्री हैज अ लोन पेयर नाइट्रोजन हैज अर ठीक है लोन के वजह से इट बिहेव लाइक अलियो फाइट नाउ द नेक्स्ट इज़ बेसिकली रिएक्शन विथ रियक्शन रियक्शन विध केसीएन अल्कोहोलिक केसीएन जो होता है केसीएन इज एन आयोनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज एन आयोनिक कंपाउंड इट ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस के प्लस एंड सी एन माइनस तो सी एन माइनस जो होता है यहां पर यह इस तरह से होता है ओके okay? यहां पे दिस बिहेव आइक न्यूक्लियो फाइल एंड ये सी पे बिकॉज माइनस है सी आर को जाके अटैच हो जाएगा सो वॉट यूल आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एक्स माइनस आई होप आपको ये समझ में आ रहा है हर एक रिएजेंट आपको एक न्यूक्लियो फाइल दे रहा है आपको बस उस न्यूक्लियो फाइल को याद रखना है एंड वो न्यूक्लियो फाइल हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर रहा है नेक्स्ट वन इज ठीक है एजीसीएन ये आयोनिक नहीं होता इट हैज गॉट अ वेरी लार्ज को वैलेंट कैरेक्टर तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे अटैक कौन करता है पता है एजीसीएन पे एजी सी ट्रिपल बॉन्ड एन यहां पे नाइट्रोजन है जोन पेयर बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ जोन पर नाइट्रोजन जाके ये आर को अटैक करता है तो बिकॉज नाइट्रोजन आर को अटैक करता है यहां पे जो आपको कंपाउंड मिलता है दैट इज आर एन सी वॉट यू गेट इज आइसो साइट एंड दिस इज साइट या जिसको हम लोग नाइट्राइज भी कहते हैं दैट इज अमन नेम ओके सो यहां पर डिफरेंस देखो एजीसीएन में जो अटैक है वो नाइट्रोजन करता है एंड के सी एन में जो अटैक है वो कार्बन करता है कार्बन अटैक आर ग्रुप फाइन उसके बाद नेक्स्ट आता है एल आई ए एल एच फोर एल आई ए एल एच फोर ये आपको देता है एच माइनस ना हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है सो दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल ये एच माइनस यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एंड व्हाट यू विल गेट इज आर एच

के एन टू जो है वो आपको देता है एनओ टू माइनस एनओ टू माइनस का ये शेप कैसा होता है या स्ट्रक्चर कैसा होता है यू हैोंड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है ना तो जिस पे भी जिस आइटम पे नेगेटिव चार्ज होगा वो जाके आर ग्रुप को अटैक करेगा सो so, यहां पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी आर ओ एन डबल हो इसको बस मैं उल्टा करके यहां पे लिख रहा हूं ओके ऑक्सीजन विल गो एंड अटैक दिस सो दिस इज व्हाट यू विल गेट नाउ इस कंपाउंड को कहा जाता है नाइट्राइट अल्काइल नाइट्राइट ठीक है इसके बाद आता है एजीएनओ टू नाव एजीएनओ टू ये वापस उतना आराम से ब्रेक नहीं होता बिकॉज ये उतना आराम से ब्रेक नहीं होता है यहां पर क्या होता है कि ए जी यू हैव ओ यू हैव एन डबल बॉन्ड ओ एंड यहां पर नाइट्रोजन हैज अर सो नाइट्रोजन विल गो एंड अटैक दिस आर ग्रुप सो बिकॉज नाइट्रोजन विल गो एंड अटैक द आर ग्रुप ये नाइट्रोजन विल गेट अटैच ओवर हियर सो यूल हैव आर एन नो टू दिस कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज नाइट्रो आपको इसमें और इसमें डिफरेंस देखो यहां पे भी ये एनओ टू ग्रुप है यहां पे भी एनओ टू ग्रुप है यहां पे नाइट्रोजन इज अटैच टू आर ग्रुप यहां पे ऑक्सीजन इज अटैच टू आर ग्रुप ये भी सी एन है ये भी सी एन है बट यहां पे कार्बन इज अटैच टू आर ग्रुप यहां पे नाइट्रोजन इज अटैच टू आर ग्रुप ठीक है उसके बाद यू ओके वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अल्कोक्साइड्स अल्कोक्साइड्स क्या होता है अल्कोक्साइड ऐसे होता है मान लो r' o na ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज सोडियम हैज अ पॉजिटिव चार्ज सो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा na+ को हटा दो तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा r' o- r' में इसीलिए लिख रहा हूं लेट से दिस कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप जरूरी नहीं ये और ये सेम हो दिस कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप So, ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो वॉट यू विल गेट एज आर एंड ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे सो आर डैश यू विल गेट इथर इन दिस केस, फाइन ओके देर इज वन मोर रिएक्शन दैट वी विल लुक एट ओके सो हर एक केस में आपको रिएजेंट देखना है और हरेक रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियो जनरेट करता है वो मैंने लिखा हुआ है ओके okay. एरो के नीचे इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइज विच आर जनरेटेड एंड ये न्यूक्लियोफाइज अटैक योर अलकाइज ग्रुप ये जैसे ही अलकाइज ग्रुप को अटैक करेंगे आपको इस तरह से सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिलेंगे यू विल गेट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर मैं अल्कोहलिक दिखता हूं अल्कोहलिक इंपॉर्टेंट है जहां पे मैं अक्वियर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके देर इज वन मोर रियक्शन जो मैं यहीं पर नीचे दिख देता हूं

ऑक्सीजन आर ग्रुप को अटैक करेगा तो आर ये ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा सो नाउ वॉट यू विल गेट आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर ये जो आर ग्रुप है ये यहां पे अटैच हो जाएगा इसको कहा जाता है ईस्टर ठीक है फाइन अब मान लो हम लोगों ने और एक रिएक्शन देखा हुआ है इलेवेंथ स्टैंडर्ड में मान लो इफ यू हैव एनी अच इज अटैच टू मेटल ओके मान लो कोई अलकाइज ग्रुप डायरेक्टली मेटल को अटैच है तो उसके इसमें क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो मेटल विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव चार्ज ना मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सो मेटल्स विल हैव द पॉजिटिव चार्ज आर डैश विल हैव द नेगेटिव चार्ज इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो आर इस पे माइनस चार्ज है तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल दिस बिकम्स योर न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल आर को अटैक करेगा ये जैसे ही आर को अटैक करेगा वॉट यू विल गेट इज आर डैश आर दिस इज वॉट यू वुड गेट ठीक है सो प्लीज गो थ्रू दिस टेबल इसको अच्छे से दिखना एंड प्लीज रिमेंबर दिस दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, ये हो गए हमारे सारे न्यूक्लियोफिजिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन समझो मैंने मैकेनिज्म अब तक नहीं देखा है हम लोगों ने बस री एजेंट्स दिखे हुए एंड री एजेंट्स कौन सा न्यूक्लियोफाइल देंगे वो दिखे हुए, वो दिखा हुआ है एंड इवेंचुअली आपको कौन कौन से में मिलेंगे वो मैंने दिखा हुआ है सो प्लीज रिमेंबर दीज री एजेंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ओके okay. अब हम लोग जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पे वी विल लुक एट एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था सिमिलर रिएक्शन ही है बस कुछ और चीजें हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आप कैसे लिखोगे आर एक्स ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए वी ऑलवेज नीड अ स्ट्रांग बेस सो री एजेंट रिक्वायर्ड इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रांग बेस वेरी स्ट्रांग बेस एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी स्ट्रांग बेस कुड बी इट कुड बी सी टू एच फाइव अल्कोहोलिक के ओ एच दिस इज अट्रांग बेस ओके या फिर आप ये कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो सो दिस इज वन और अल्कोहलिक एन ए ओ एच प्लीज रिमेम्बर हम लोगों ने प्रीवियसली अक्वीअस के ओ एच एंड एक्वीएस एन एच यूज किया था यहां पे आप अल्कोहलिक के ओ एच एंड अल्कोहलिक एन एच यूज करोगे यू कैन ऑल्सो यूज दिस कॉम्बिनेशन मान लो सी टू एच फाइव ओ एच विथ सी टू एच फाइव ओ माइनस या फिर ये कॉम्बिनेशन सी एच थ्री ओ एच विथ सी एच थ्री ओ माइनस ओके नाउ ये सारे जो है दीज आर ऑल वेरी वेरी स्ट्रांग बेसिस या फिर चौथा जो है यू कैन यूज एन एच टू माइनस सो दीज आर ऑल वेरी स्ट्रांग बेसिस ना वेन यू यूज वेरी स्ट्रांग बेस क्या होता है कि यहां पे इज अल्किनिस एंड प्लस एच एक्स एच एक्स मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है सो लेट स्टार्ट ऑफ विथ फ्यू एग्जाम्पल्स तो आपको ये और समझ में आ जाएगा सो लेट से यू हैव सी एच थ्री सी एच टू बी आर

एंड बीटा कार्बन से यू रिमूव वन हाइड्रोजन आइटम आप एक हाइड्रोजन आइटम हटा दोगे सो वॉट विल है एच बी आर बन जाएगा एंड एक हाइड्रोजन हटाओगे तो आप दो ही हाइड्रोजन बचेंगे सो दिस विल बिकम सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड ओके सो दिस इज इथीन ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज सी एच थ्री सी एच लेट्स ए सी एल सी एच टू सी एच थ्री एंड वापिस आप अल्कोहलिक के ओ एच यूज करो वापिस क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड अब बीटा कार्बन कौन कौन से ये भी आपका बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ अल्फा को जो कार्बन आइटम्स अटैच होता है वो बीटा कार्बन होता है ओके okay. सो so, यहां पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटीज अल्फा कार्बन से तो हमेशा हाइड्रोजन आइटम हटता है एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आइटम हटता है तो आप यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो वॉट यू विल गेट इज इफ यू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर यू विल गेट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री दिस इज वॉट यू विल गेट ओके एंड अगर जो आप हाइड्रोजन आइटम यहां से हटाते हो तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच थ्री ना दिस कंपाउंड इज कॉर्ड एज वन ब्यूटीन एंड दिस इज कॉल्ड एस टू ब्यूटीन ओके क्योंकि यहां पे वन टू थ्री फोर डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन आइटम पे आ रहा है यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन आइटम पे आ रहा है फाइन सो दिस इज वन ब्यूटीन दिस इज टू ब्यूटीन नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा या ये बनेगा हाउ विड यू डिसाइड दिस तो इसके लिए हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज समिंग क्वे सेट नाउ सेट रूल क्या कहता है इट सेज दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट वे द मेजर प्रोडक्ट ठीक है ना हाउ डू यू डिसाइड मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन सो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्किन विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इट विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओके So, सो में यू हैव लेस नंबर ऑफ इड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दैट विल बी मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कि यहां पे आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला के देखते हो तो कितने हाइड्रोजन आइटम्स हो जाते हैं टू यहां पे और वन यहां पे यू हैव बेसिकली थ्री हाइड्रोजन आइटम्स ओवर हियर एंड इफ यू सी ओवर हियर वन एंड वन One hydrogen over here, one hydrogen over here, you have two hydrogen atoms. Okay. So, because this has less number of. So, since two hydrogen atoms, have, you have less number of hydrogens over here. So, because you have less number of hydrogens over here, I will say that this is more substituted alkene. And because this is more substituted alkene, this is more stable. जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्किन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ये वाला जो होगा दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट ठीक है सो आई होप नाउ यू नो वेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल हाउ टू डिसाइड योर मेजर प्रोडक्ट एंड हाउ टू डिसाइड योर माइनर प्रोडक्ट हमेशा सेट रूज आपको जो है वो फॉलो करते जाना है ओके ये सेक्शन को वापस रिवाइंड करके प्ले करो जब तक आपको ये समझ में नहीं आता याद नहीं रहता प्लीज वॉच दिस ओवर एंड ओवर अगेन फाइन ओके ना यहां पे एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है कि लेट से लेट मी स्टार्ट विथ दिस कंपाउंड अगेन ओके सो so, सो so, ये कंपाउंड के नेम इसका नेम क्या होगा वन टू थ्री फोर सो टू क्लोरो ब्यूटेन दिस टू क्लोरो ब्यूटेन सो देट मी स्टार्ट अगेन विथ टू क्लोरो ब्यूटेन सी एच सी एल सी एच टू सी एच थ्री एंड अब यहां पे ना मैं इनमें से कोई भी बेस यूज नहीं कर रहा हूं मैं एक नया रिएजेंट यूज कर रहा हूं एक नया स्ट्रोंग बेस यूज कर रहा कराऊ दर्शियरी ब्यूटोक्साइड ब्यूटॉक्साइड बीओ माइनस एंड अलोंग विथ इट टर्शियरी ब्यूटाइड अल्कोहल ओ एच ये ब्यूटोक्साइड क्या होता है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड ओ माइनस इट इज अ वेरी लार्ज बेस ये बॉन्दी क्यों ना साइज में बहुत बड़ा होता है सो दिस इज वेरी वेरी लार्ज एंड वेरी स्ट्रांग बेस बिकॉज दिस इज वेरी लार्ज एंड वेरी स्ट्रांग बेस यहां पर क्या होता है यहां पर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट सेट रूल फॉलो नहीं करता रीजन इज बिकॉज ये इतना लार्ज होता है कि ये अंदर वाले हाइड्रोजन पे अटैक ही नहीं कर सकता तो यहां पे, इफ दिस इज योर अल्फा कार्बन दिस इज योर बीटा कार्बन बीटा कार्बन तो बेस जो होता है इन सारे रिएक्शन में यहां पे क्या होता है कि बेस ऑलवेज अटैक्स लेट मी राइट इट ओवर ही बेस ऑलवेज अटैक्स बीटा हाइड्रोजन ओके बेस ऑलवेज अटैक्स बीटा हाइड्रोजन ना छोटा बेस अगर जो होता है तो वो छोटा बेस हमेशा अंदर वाले हाइड्रोजन को अटैक करता है ताकि यू एंड अप विथ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विच इज योर मेजर प्रोडक्ट बट बिकॉज ये इतना बड़ा है कि ये अंदर वाले कार्बन को अटैक ही नहीं कर सकता ये घुस नहीं सकता क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस ग्रुप इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस ग्रुप तो ये जो इतना बड़ा बेस है वो इन हाइड्रोजन को अटैक नहीं करेगा ये जो बड़ा बेस है इट विज गो एंड अटैक दिस हाइड्रोजन ओके क्योंकि ये हाइड्रोजन बाहर है ना मॉजिक्यूल के एंड पे है मॉजिक्यूल के एंड पे तो ये आराम से इनको अटैक कर सकता है सो तो ये इनको अटैक करेगा तो यहां पर जो एलिमिनेशन होगा वो ऐसा होगा अल्फा कार्बन से क्लोरिन निकलेगा बट इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा एंड वॉट यू विल नाउ गेट इज यहां से हाइड्रोजन हटा दो तो यू विल गेट सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री दिस इज वन ब्यूटी एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट ठीक है यहां पे सेटेफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहां पे इनफैक्ट उल्टा रूल फॉलो हो रहा है तो इस रिएक्शन को आप सेटेफ एलिमिनेशन नहीं कह सकते इस रिएक्शन को इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देयर इज इट इज कॉल्ड एज हॉफमन रूल एंड हॉफमन रूल के हिसाब से लेस सब्सटीट्यूटेड अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट लेस सब्सटीट्यूटेड अलकिंग इज द मेजर प्रोडक्ट आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड ये है बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बल्की बेस बहुत ही बड़ा बेस है तो इस हाइड्रोजन को अटैक नहीं करेगा वो इस बाहर वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा बाकी सारे बेसिस जो होते हैं वो छोटे बेसिस होता है एंड बिकॉज दोज आर स्मॉल बेसिस वो आराम से अंदर वाले हाइड्रोजन को अटैक कर देता है ठीक है सो so, यहां पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो भी कंप्लीट होता है सो अभी आज हम लोगों ने दो रिएक्शन देखे एक था सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन वॉज एलिमिनेशन रिएक्शन तो नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विथ मेटल रिएक्शन विथ मेटल में दो रिएक्शन आता है पहले आता है वर्ड सिंथेसिस वर्ड सिंथेसिस जो होता है ये सिमेट्रिकल अल्किन्स बनाने के काम आता है वर्ड सिंथेसिस इट इज यूज टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्किन्स अल्किहां Al so, पे क्या होता है कि ये जो अलकाइज हजाइड आर एक्स यह और एक आर एक्स के साथ रिएक्ट करता है सो यू नीड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आर एक्स दे रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट शुड बी ड्राई ईथर क्या होता है यहां से ये एक्स हट जाता है यहां से ये एक्स हट जाता है एंड आर एंड आर एक दूसरे को ज्वाइन हो जाता है सो यू गेट आर डैश आर

बट अगर जो आपके स्टार्टिंग कंपाउंड आपका यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड सेम है ये दोनों मोलिक्यूल सेम है बट अगर जो आप दो अलग अलग टाइप के अलकाइज हजाइड यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स से फॉर एग्जाम्पल आप सी एच थ्री सी एल विच इज मीथाइज क्लोराइड एंड आप इथाइल ब्रोमाइड ऐसे यूज करते हो तो यहां पर आपका मीथाइज ग्रुप हुआ या आपका इथाइल ग्रुप हुआ तो यहां पे ना आपको तीन अलग अलग टाइप के में मिलेंगे ये खुद के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सी एच थ्री डैश सी एच थ्री जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करके सी टू एच फाइव डैश सी टू एच फाइव बना रहा है वैसे इट विल फॉर्म सी एच थ्री डैश सी एच थ्री ये भी खुद के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सी एच थ्री सी एच टू डैश सी एच टू सी एच थ्री दट इज ब्यूटेन सो इथेन ब्यूटेन एंड ये इसके साथ रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सो जब कभी आपको अनसिमेट्रिकल बनाना हो तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते यू कैन नॉट यूज दिस मेथड बिकॉज यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्लीज ये नोट कर देना यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ फाइनली रिएक्शन विथ मैग्नीशियम आर एक्स वेन इट रियक्ट विथ मैग्नीशियम ड्राई ईथर होना जरूरी है R -Mg Mg बस बीच में घुस जाता है इसको कहा जाता है अलकाइल मैग्नेशियम ग्रिग्नारी एजेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट यू आर माइनस कार्बन एन आय जनरेट करता है अब ये जो ग्रिग्नारी एजेंट है ये ग्रिग्नारी एजेंट अगर जो एच प्लस डोनर के साथ आ जाता है कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो तुरंत क्या होगा यहां से आर माइनस निकलेगा यहां से एच प्लस निकलेगा एंड देगा अलकेन बन जाएंगे बन जाएगा बन जाएगा so, सो यहाँ से अलकाइल को हमने ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट किया एंड ग्रिग्नार्ड को फिर हम लोगों ने अल्केन में कन्वर्ट किया H+ प्लस डोनर कौन कौन से होते हैं सो एच टू ओ कैन बी एच प्लस डोनर इसी हम लोग यहाँ पे ड्राई यूज करता है यू कैन नॉट मॉइस्चर अदरवाइज ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट या H2O के साथ रिएक्ट करके ये दे देगा